भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के तेवर और उनके गुस्सों की चर्चा हमेशा रहती है। उनके टेंट्रम और शूटिंग पे लेट आने की भी चर्चाएं होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पवन सिंह और सलमान खान में एक सिमिलैरिटी कॉमन है? सिमिलैरिटी ये कि अगर वो ठान लेते हैं कि उन्हें उस स्टार और डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना है तो वो नहीं करते। जैसे कि खेसारी लाल यादव के साथ पवन सिंह ने ठान लिया है कि उन्हें काम नहीं करना है, फिर चाहे कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट हो, फिर चाहे उन्हें उस फिल्म के लिए कितना बड़ा मेहनताना मिल रहा हो, वो नहीं करेंगे। भाई यहाँ पर पवन सिंह सलमान खान के फुटस्टेप को फॉलो करते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है अक्षरा सिंह का। जी हाँ, अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह अब कभी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि अक्षरा और उनका मैटर, उनकी जो कंट्रोवर्सी है, इस कदर हो गई है कि अब पवन सिंह अक्षरा के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। ठीक वही हालत उनकी खेसारी लाल यादव के साथ भी है। ये कहते हो कि हाँ, अगर अच्छी स्क्रिप्ट आई तो हम जरूर साथ करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वैसे बताया जाता है कि कई ऐसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुए जो खेसारी को और पवन को एक साथ एक फिल्म में लाना चाहते थे, जबकि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जान चुके थे इन दोनों के बीच ही कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव की बेटी के बर्थडे में उनके घर गए थे, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि भोजपुरी की ये करण अर्जुन एक साथ एक फिल्म में जरूर नजर आएंगे, और ऐसा हो भी जाता अगर पवन सिंह हामी भर देते। ऐसे आपको बता दे कि खेसारी पवन सिंह के साथ काम करने के लिए बहुत ही बेताब है। वो पवन सिंह ही है जो अब खेसारी के साथ काम नहीं करना चाहते। काम न करने की भी बड़ी वजह ये है कि सब कहते हैं कि खेसारी और पवन सिंह में वो कंपैटिबिलिटी अब नहीं रही जो पहले थी। वैसे आपने देखा होगा कि इन दोनों के विवाद से पहले, यानी इनके अक्षरा के प्रेम प्रसंग के विवाद के पहले, खेसारी के साथ पवन सिंह फिल्मों में नजर आ चुके हैं। तो भाई सीधे से पवन सिंह ने इन दोनों के साथ काम करना तो दूर, इन दोनों से अगर पार्टियों में भी मिलते हैं तो कहा जाता है कि खेसारी को तो वो गले भी लगा लेते हैं, लेकिन अक्षरा की तरफ वो देखते तक नहीं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।